प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कहना चाहता हूं और आपके साथ बाइबल से तीन वचन साझा करना चाहता हूं। और ये सिर्फ तीन वचन नहीं है, ये तीन प्रार्थना है और मुझे लगता है हर एक मसीह व्यक्ति को नए साल पर ये तीन वचन पढ़ने भी चाहिए, मनन भी करने चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए। पहला वचन नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ये वायदा करते हैं कि यदि आप अपने कामों की शुरुआत में परमेश्वर को याद करें तो मेरे और आपके लिए वो सीधा मार्ग निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरी दुआ है कि नए साल में आपके लिए नए मार्ग खुल जाएं, बंद दरवाजे खुल जाएं और परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकाले, आप नई और ऊंची और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए इस आयत के अनुसार आप परमेश्वर को याद करें। नए साल में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर को याद करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। दूसरी आयत लूका 21:36 में यीशु ने कहा, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे थे, यदि तुम जागते हो प्रार्थना करते रहोगे तो जो आने वाली घटनाएं हैं, आने वाली जो परेशानियां हैं, आप उनसे बच जाओगे। ऐसे समझ लीजिए कि यदि आप आज प्रार्थना कर रहे हैं और जो कल आपदा आप पर आने वाली थी वो टल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी आज की प्रार्थना से। मतलब जो आज आप प्रार्थना करते हैं वो आपके भविष्य को संवारती है। यदि आज आप प्रार्थना करके नए साल में प्रवेश करेंगे तो आपका नया साल मुबारक होगा, आशीषित होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ नए साल में प्रवेश करें। और तीसरी आयत निर्गमन 33:14-15 में है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। और मूसा कहते हैं, यदि प्रभु तू आप हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा, हम आपके बगैर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है आप इस नए साल पर ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या प्रार्थना करूं नए साल में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रार्थना मूसा ने की है वो प्रार्थना हर एक मसीह को करने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर से कहिए इस नए साल को प्रवेश करने से पहले, प्रभु मैं आपके बगैर नए साल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके बगैर नए साल में नहीं चलना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके करीब रहना चाहता हूं। जब मूसा ये प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे न लेके जाएं, उसका कारण ये था कि मूसा जानते थे कि परमेश्वर के बगैर हम नाश हो जाएंगे, परमेश्वर के बगैर हमारी यात्रा सफल नहीं हो सकती है। यदि आप अपना जीवन सफल चाहते हैं, यदि आप नए साल को मुबारक बनाना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि आप नए साल में उन्नति करें, तरक्की करें, तो ये परमेश्वर के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, आपके बगैर मैं साल नहीं देखना चाहता, आपके बगैर मैं महीने, मैं दिन, मैं मिनट नहीं देखना चाहता हूँ, मैं जो दिन देखना चाहता हूँ, मैं जो साल, मैं जो जीवन जीना चाहता हूँ, मैं आपके साथ आपके करीब जीना चाहता हूँ। और जब आप ये दुआ करेंगे आपका जीवन मुबारक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो ज़रूर आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।